अपना अगला क्रियात्मक समूह है छह नंबर का एमाइड। एमाइड इसके लिए भी वही अपन टेबल बनाएंगे जिसमें समूह है, प्रदर्शन, द्वितीयक अनुलग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न। ठीक है, तो ये अपन टेबल बनाएंगे। अब देखो इसका जो समूह है इस समूह को डिनोट करते हैं सी ओ एन एस टू से, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं सी ओ एन एस टू। ठीक है, सॉरी समूह तो इसको एमाइड बोलते हैं, ये सॉरी इधर ये प्रदर्शन हो गया, इसको मैं प्रदर्शन लिख देता हूं और ये समूह है और इसको बोलते हैं एमाइड। ठीक है, अब इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या यूज करते हैं, पहला केस इसके लिए यूज करते हैं एमाइड जब सी ओ एन एस टू का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो। ठीक है, और दूसरा कार्बोनाइट्राइल, सॉरी कार्बोएमाइड, दूसरा यूज करते हैं अपन कार्बोएमाइड, कार्बोएमाइड, कार्बोएमाइड कब, जब सी ओ एन एस टू का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, तो ये है अपने पास में एमाइड को द्वितीयक अनुलग्न के रूप में दो तरीके से यूज किया जाता है, एमाइड जब CONH2 का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो और एक कार्बोएमाइड जब मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो कार्बन। ठीक है, और इसके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न यूज करते हैं अपन कार्बमोइल, कार्बमोइल। ठीक है, कब, जब कार्बन से जुड़ा हो, जब कार्बन से जुड़ा हो, ये ध्यान रखना। क्या यूज करते हैं, कार्बमोइल। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया इसका नाम लिखने का तरीका, अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो उस एग्जांपल से अपने को समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन HCONH2। अब देखो इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मैथ प्लस एकल बंद यानी प्राथमिक अनुलग्न N प्लस इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है तो इसके लिए एमाइड। प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथेनेमाइड, मैथेने। अब देखो ए आया है तो ये ई नहीं लिखेंगे, मैथेनेमाइड और इसको फॉर्माइड भी बोलते हैं, ये इसका आईपीएसी नेम है, ये इसका कॉमन है। ठीक है, अगला एग्जांपल ले, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3CONH2। अब इसमें एक दो कार्बन है, दो कार्बन है तो एथ यूज करेंगे, एथ प्लस एन प्लस एमाइड, प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। अब ए आया देखो तो ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, एथेनेमाइड और इसको एसिटामाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले अपन, ये ध्यान रखना ये कॉमन नेम है, ये आईपीएसी नेम है। अगला एग्जांपल ले CH3CH2CONH2। इसमें एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो देखो नंबरिंग वहां से करना है जहां से अपना क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ, अपन ने ये पढ़ाया है ना, तो तीन कार्बन के लिए प्रोप प्लस एन प्लस एमाइड, प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं है, द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनामाइड। अब ए आया है तो ये ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रोपेनामाइड। अगला एग्जांपल देखो अपने पास में, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH CH3
CONH2। एक दो तीन, अब यहां देखना है मूल शब्द, तीन कार्बन है तो मूल शब्द प्रोप, प्राथमिक अनुलग्न एन है, सब में एकल बंद है, और द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह एमाइड है, तो कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट हो रहा है तो ये लो एमाइड। प्राथमिक अनुलग्न नहीं है, साइक्लो वाले वगैरह नहीं है। द्वितीयक अनुलग्न सॉरी द्वितीयक पूर्व लग्न है, ये रहा प्रतिस्थापी, और ये भी प्राथमिक पूर्व लग्न है, मैंने अनुलग्न बोल दिया। तो ये है कितने नंबर पे, दो नंबर पे मेथाइल, तो ये लो, तो इसका नाम हो गया 2-methyl प्रोपेनामाइड। ये ए आया तो अपन इस ए को नहीं लिखेंगे, 2-methyl प्रोपेनामाइड। अगला एग्जांपल लें, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 और ये C डबल बॉन्ड NH2। अब देखो नंबरिंग करें, एक दो तीन चार, किधर से भी कर लो चार कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी, ठीक है। तो मूल शब्द ब्यूट प्लस सब में एकल बंद N प्लस क्रियात्मक समूह का एमाइड, कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट हो रहा है, प्लस प्राथमिक अनुलग्न सॉरी प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं वाले वगैरह, द्वितीयक पूर्व लग्न है, कहां कहां पर है देखो, दो नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तीन नंबर पे इथाइल सॉरी मिथाइल मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो तीन मिथाइल हो गए, तो मैं लिखू 2-3-3 ट्राई मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2-3-3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ये इसका नाम हो गया 2-3-3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। तो दोस्तों देखो अपन सारा फॉर्मूला से कर रहे हैं, बस मेन चीज ये याद रखना है, अपने को ये याद रखना है सारे क्रियात्मक समूह की। अब और एग्जांपल लेते हैं अपन, और एग्जांपल लें, अगला एग्जांपल है H2NCO CH2 CH2 CO NH2। देखो 1-2-3-4 चार कार्बन, एक नंबर पे एमाइड, दो नंबर पे एमाइड, तो मैं चार कार्बन और कार्बन है इसके मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो रहा है, तो मैं मूल शब्द लिखू ब्यूट सब में एकल बंद एन प्लस एक नंबर पे एमाइड और चार नंबर पे, तो 1,4-diamide। प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, ए आया है तो ये ई नहीं लिखेंगे, तो ब्यूटेन 1,4-diamide, ये इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1,4-diamide, ठीक है। अगला एग्जांपल और लिखें, एग्जांपल है अगला अपने पास में CH3 C ट्रिपल बंद C CONH2। अब देखो 1-2-3-4 चार कार्बन, तो हो गया ब्यूट प्लस एन, कब जब एकल बंद होते, लेकिन यहां पर क्या है ट्रिपल बंद है, कहां पर दो नंबर पे, तो 2-ion प्लस इसका मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है कार्बन, तो एमाइड। प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन भी नहीं है, तो नाम क्या हो गया ब्यूट 2-ion एमाइड। ए आया तो ये ईट नहीं लिखेंगे, तो एमाइड ब्यूटेनामाइड, ये लो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल लिखें, HOC CH2 CH2 और CH2 CO NH2। अब देखो इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक क्रियात्मक समूह ये एमाइड है और एक क्रियात्मक समूह है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन दोनों में से कोई जो सीनियर होगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा प्रतिस्थापी होगा, तो सीनियर COH है, तो यहां से नंबरिंग करो 1-2-3-4। अब ये क्रियात्मक समूह किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रतिस्थापी की तरह, तो ये लो प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे कार्बम ऑयल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कार्बम ऑयल। तो अब मैं सीधा लिखूं मूल शब्द कितना है ब्यूट, ये लो प्लस सब में एकल बंद एन प्लस एक नंबर पे क्या है ओइक एसिड, प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीयक पूर्व लगन ये प्रतिस्थापी है कितने नंबर पे चार नंबर पे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कार्बम ऑयल। तो मैं इसका नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा 4-carbamoyl ब्यूटे
अब यहां पे देखो ओ आया तो ये ई नहीं लिखेंगे, ब्यूटे नोइक एसिड, फोर कार्बन ऑयल ब्यूटेनोइक एसिड। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है अपने पास में एच ओ ओ सी सी एच टू सी एच एसओ थ्री एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड एन एच टू, यहां पे ओ है ठीक है। तो यहां देखो तीन क्रियात्मक समूह है, एक तो COH है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है सल्फोनिक एसिड और एक है ये अपना एमाइड। अब इन सब में सीनियर कौन सा है, ये वाला सीनियर है, तो ये बाकी दो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेंगे, तो ये दोनों प्रतिस्थापी और वो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग करो एक दो तीन चार, चार नंबर तो मूल शब्द क्या हो गया ब्यूट प्लस सब में एकल बंध एन प्लस एक नंबर पे ओइक ओइक एसिड, प्राथमिक पूर्व लगन नहीं है, द्वितीय पूर्व लगन। देखो तीन नंबर पे सल्फो है और चार नंबर पे क्या है कार्बेमोइल, तो सल्फो और कार्बेमोइल में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, सी आएगा एस आएगा, सल्फो एस और कार्बेमोइल में सी, तो सी पहले आएगा, तो पहले लिखो फोर कार्बेमोइल कितने नंबर, फोर कार्बेमोइल थ्री सल्फो, फोर कार्बेमोइल थ्री सल्फो ब्यूटेन ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया अपने पास में फोर कार्बेमोइल थ्री सल्फो ब्यूटेन नोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया ठीक है। यहां से अब अगला एग्जांपल देखें अपन, अगला एग्जांपल है अपने पास में ये वाला ठीक है। अब इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है, ये वाला क्रियात्मक समूह है, लेकिन यहां पे मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, मुख्य श्रृंखला तो ये वाली वलय वाली होगी, तो ये वलय वाली मुख्य श्रृंखला होगी, तो इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो नाम लिखते हैं, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है तीन, तो तीन कार्बन का क्या आएगा प्रोप प्लस सब में एकल बंध है एन प्लस इसका, जब इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगा तो क्या लिखेंगे अपन कार्बेमाइड, तो ये लो कार्बेमाइड ठीक है। और नंबरिंग एक नंबर पे ही है कार्बेमाइड प्लस प्राथमिक पूर्व लगन, पूर्व लगन वलय है तो वलय है तो साइक्लो, और द्वितीय पूर्व लगन नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया साइक्लो प्रोपेन। अब ये देखो सी आया तो ए हटेगा नहीं, प्रोपेन कार्बेमाइड, ये इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन कार्बेमाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बेमाइड ठीक है, साइक्लोप्रोपेन कार्बेमाइड। अगला एग्जांपल देखो अपने पास में, अगला एग्जांपल देखें अपन सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच सी एन एस थ्री। अब देखो जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, ध्यान देने वाली बात है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा ग्रुप उसको आगे लिखना है एन लगा के, एन फॉर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो एन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मिथाइल। अब इसका नाम लिख दो एक दो, तो एथेनेमाइड, अब वही एथेनेमाइड उसी रूल से लिखा है, इस एथेनेमाइड को कैसे लिखा, मूल शब्द एथ प्लस एन क्रियात्मक समूह है एमाइड, प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन है नहीं, तो ये हो गया एथेनेमाइड और इसको मैंने ये लिख दिया, और जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसको आगे लिख देते हैं एन लगा के, एन मिथाइल एथेनेमाइड, ये एग्जांपल अच्छा है, इसको ध्यान में रखना है ठीक है। अगला एग्जांपल लें अपन, अगला एग्जांपल है अपने पास में सी एस थ्री सी ओ एन सी एस थ्री सी एस थ्री। अब देखो नाइट्रोजन से दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो एन एन लगा के दो मिथाइल लिखेंगे, एक नंबर दो नंबर, तो मैं लिखूं एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल दो नंबर के लिए एथ प्लस एन प्लस एमाइड, तो ये हो गया इसका नाम एन एन डाई मिथाइल एथेनेमाइड, एथेनेमाइड ये इसका नाम हो गया। अगला एग्जांपल दें, अगला एग्जांपल है अपने पास में एस सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच टू सी एच थ्री। अब देखो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है इथाइल, तो एन इथाइल येलो एन इथाइल, अब एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मैथ एकल बंध प्राथमिक अनुलग्न एन प्लस एमाइड द्वितीय अनुलग्न, तो ये क्या हो गया एन इथाइल मेथेनेमाइड, एन इथाइल मेथेनेमाइड
ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH2 CO NH CH3। यहां पे लिखूं CO NH CH3। अब देखो मैं इसको एन नाइट्रोजन मान रहा हूं तो इसको एन डैश कंसीडर कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो यहां से मैं लिखूं इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, इस नाइट्रोजन से भी मिथाइल, तो मैं लिखूं एन एन डैश डाई मिथाइल। अब इसके नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो ब्यूट प्लस एन प्लस एमाइड, डाई एमाइड है ना, कितने नंबर, एक नंबर, दो नंबर पोजिशन पे, एक नंबर और चार नंबर पे, तो मैं लिखूं 1 4 डाई एमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा अपने पास में एन एन डेस डाई मिथाइल ब्यूट एन, अब यहां पे देखो ए आया तो ई नहीं आएगा, ब्यूटेन 1 4 डाई एमाइड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH2 येलो सी डबल बॉन्ड एन CH3 CH3 और यहां पर CONH2। तो देखो नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़े हुए हैं दो, अब इसको एन, इसको एन डेस बोले तो इससे तो हाइड्रोजन जुड़े हुए, कोई नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं लिखूं एन एन डाई मिथाइल, एक ही नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं तो सेम नाइट्रोजन है, या दो नाइट्रोजन अलग अलग से जुड़ा हुआ था तो डिफरेंशिएट करना, अंतर करना जरूरी था। अब इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो ब्यूट प्लस एन प्लस 1 4 डाई एमाइड। तो इसका नाम हो गया अपने पास में एन एन डाई मिथाइल ब्यूटेन, देखो यहां से ए आएगा तो ई नहीं आएगा, ब्यूटेन 1 4 डाई एमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने एमाइड का भी कुछ एग्जांपल्स किए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखो इनके नोट्स बनाना और बार बार रिवाइज करना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ये। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, सॉरी अगला क्रियात्मक समूह लेते हैं, अगला क्रियात्मक समूह है अपना साइनाइड, अगला क्रियात्मक समूह है 7 नंबर साइनाइड। ठीक है, अपन इसमें वही टेबल बनाएंगे, समूह है, प्रदर्शन, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक पूर्णलग्न। ठीक है, समूह है इसका बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड इसको डिनोट करते हैं अपन CN और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये साइनाइड। ठीक है, इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न पहला यूज करते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल जब CN का कार्बन, CN का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो। ठीक है, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो। और दूसरा यहां पे लिख देता हूं, दूसरा यूज करते हैं अपन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, कब, जब CN का कार्बन मुख्य श्रृंखला का, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, अब इसके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न क्या यूज करते हैं, इसके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न यूज करते हैं साइनो, क्या यूज करते हैं साइनो। तो ये इसकी टेबल हो गई, इसमें भी दो तरीके के द्वितीयक अनुलग्न काम में लिए जाते हैं। तो अब देखो इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब अपने को समझ में आएगा ये। ठीक है, तो एग्जांपल्स करते हैं अपन, पहला एग्जांपल HC ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन, तो इसके लिए मैथ, एक कार्बन के लिए प्लस एन, कार्बन के बाद क्या बंद है, एकल बंद है एन, प्लस
इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट हुआ तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्राइड प्लस प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन भी नहीं, तो क्या हो गया मेथेन नाइट्राइड, मेथेन नाइट्राइड। दूसरा एग्जांपल देखो, सॉरी दूसरा एग्जांपल है ये, इसमें दो कार्बन है ये लो, तो इसका क्या लिखेंगे एथेन नाइट्राइड, एथेन नाइट्राइड, सॉरी सॉरी। अगला एग्जांपल लें, अगला एग्जांपल है अपना CH3 CH2 C(NN), एक दो तीन कार्बन, तो इसका क्या है तीन कार्बन के लिए प्रोप प्लस N प्लस नाइट्राइड प्लस प्राथमिक पूर्व लगन नहीं है, द्वितीय पूर्व लगन नहीं है, तो क्या हो गया ये प्रोपेन नाइट्राइड, प्रोपेन नाइट्राइड। अगला एग्जांपल लें अपन CH3 CH2 CH2 C(NN), तो 1, 2, 3, 4, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ब्यूटेन नाइट्राइड। अगला एग्जांपल लें, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH CH3 CH2 CN, यहां ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है 1, 2, 3, तो मूल शब्द कितना हो गया प्रोप प्लस एन प्लस नाइट्राइल प्लस प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन है ये रहा प्रतिस्थापी, दो नंबर में प्रतिस्थापी 2-मिथाइल, तो क्या नाम हो गया इसका 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, सॉरी सॉरी अपन ने गड़बड़ कर दी है, इसका कार्बन काउंट किया है ना 1, 2, 3, 4, तो 3 नंबर पे है मिथाइल और ये है ब्यूटेन, ब्यूट ये है ब्यूटेन, क्योंकि इस नंबरिंग तो इसका कार्बन काउंट करेंगे तभी तो नाइट्राइल यूज कर पाएंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 CCH3 CH3 CH3 सॉरी ये CH2 और ये CH2 C(NN), तो देखो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, तो अपनी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी ये वाली, ये वाली, तो नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, तो पांच कार्बन के लिए मूल शब्द पेंट प्लस एन, सब में एकल बंद है, प्लस नाइट्राइल एक नंबर पे, एक नंबर लिखना जरूरी नहीं है, प्राथमिक पूर्व लगन नहीं है, द्वितीय पूर्व लगन, द्वितीय पूर्व लगन है 3 नंबर पे, एक मिथाइल ये तो मैं यहां लिख दूं 3,3-डाइमिथाइल, तो इसका नाम हो गया 3,3-3,3-डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, नाइट्राइल ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल लें, अगला एग्जांपल है अपना N(CC) CH2 CH2 C(NN), तो देखो 1, 2, 3, 4, चार कार्बन ब्यूट, चारों एकल बंध से जुड़े हुए हैं N प्लस एक नंबर, दो नंबर पे देखो नाइट्राइल है, एक नंबर और चार नंबर पे, तो 1,4-डाइनाइट्राइल, प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन भी नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन 1,4-डाइ नाइट्राइल, ब्यूटेन 1,4-डाइनाइट्राइल। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH CH2 CH2 C(NN), और यहां पर अपन जोड़ देते हैं SO3H, ठीक है। तो अब देखो दोनों में सीनियर कौन सा है, सीनियर है अपने पास में ये वाला, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये करेगा किसकी तरह व्यवहार, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा प्रतिस्थापी की तरह, तो प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, तो नंबर इसके अकॉर्डिंग यानी इसको न्यूनतम बनना चाहिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो लिखो इसका नाम ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन प्लस इसका दो नंबर पे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं,
द्वितीय कूल लगन है ये रहा कार्बन नाइट्राइड, कितने नंबर पे सॉरी प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा तो इसके लिए साइनो लिखेंगे ना, साइनो कितने नंबर पे, चार नंबर पे, चार नंबर पे साइनो। कार्बन नाइट्राइल तो तब लिखेंगे जब उसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगा, तो इसका नाम हो गया अपने पास में फोर साइनो ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है CH3CH SO3H CH2 C111N। अब देखो सीनियर ये है और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रतिस्थापी की तरह, प्रतिस्थापी। ठीक है, तो नंबरिंग दो, अब मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो दो नंबर मिलता है, इधर से नंबरिंग करता हूं तो भी दो नंबर मिलता है, तो अपने को नंबरिंग उस हिसाब से मिलना है कि प्रतिस्थापी, देखो ये क्रियात्मक समूह को तो दो नंबर मिल रहा है, इधर से करूं 1 2 3, इधर से करूं 1 2 3। अब क्रियात्मक समूह को समान मिल रहा है तो बहुबंध देखेंगे, बहुबंध इसमें उपस्थित है नहीं, तो अपन देखेंगे प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम मिलना चाहिए, तो प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम इधर से मिलेगा, तो ये नंबरिंग ना करके ये वाली नंबरिंग करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए, मूल सब तीन कार्बन प्रोप प्लस एन प्लस दो नंबर पे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन क्या होगा इसके लिए साइनो, कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो वन साइनो, तो इसका नाम हो गया अपने पास में वन साइनो प्रोपेन टू सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गया टू सल्फोनिक एसिड। अगला एग्जांपल देखो अपने पास, अगला एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखो मुख्य श्रृंखला हो गई ये तीन कार्बन, और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्रियात्मक समूह की तरह, लेकिन इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगा, तो मैं लिखूं प्रोप प्लस एन प्लस कार्बन नाइट्राइल। प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो और द्वितीय पूर्व लगन है नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया साइक्लो प्रोपेन कार्ब नाइट्राइल, साइक्लोप्रोपेन कार्बन नाइट्राइल। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है अपने पास में ये लो। अब इसमें भी मुख्य श्रृंखला ये वाली होगी, मुख्य श्रृंखला ये होगी, तीन कार्ब ये जुड़े हुए हैं, तीनों में तीनों का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा होगा नहीं, तो मैं इसके लिए लिखूं प्रोप प्लस एन प्लस 1 2 3। अब यहां पे पोजीशन देने की जरूरत नहीं थी, एक ही नंबर था 1 2 3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल, और प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो, द्वितीयक पूर्व लगन है नहीं, तो इसका नाम हो गया साइक्लो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लिखें, अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है CH2 CH और CH2। यहां जुड़ा हुआ है C111N, यहां जुड़ा हुआ है C111N, यहां जुड़ा हुआ है C111N। तो मैंने देखो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी, तब देखा था अपने समान प्रकार के अगर क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं तो वो सारे के सारे या तो मुख्य श्रृंखला में आने चाहिए या सारे के सारे मुख्य श्रृंखला के से बाहर होना चाहिए। तो इसमें मैं कैसे भी श्रृंखला का चुनाव करता हूं तो एक सीएन बाहर होता है, तो एक सीएन बाहर होता है तो अपन क्या करते हैं इन सबको ही बाहर छोड़ देते हैं, तो मुख्य श्रृंखला बना लेते हैं तीन कार्बन की। तो प्रोप तीनों एकल बंध से जुड़े हुए हैं, एन प्लस ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह की तरह व्यवहार कर रहे हैं लेकिन इनका कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल प्लस प्राथमिक पूर्व लगन नहीं है, द्वितीय पूर्व लगन भी नहीं है, तो ये हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा, तो इसके साथ ही अपना साइनाइड भी खत्म हो गया। अब अगला क्रियात्मक समूह लेते हैं अपन, अगला क्रियात्मक समूह है अपना
आइसोसाइनाइड, एक मिनट, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसके लिए भी वही अपना टेबल बनाओ, समूह है, प्रदर्शन, द्वितीयक अनुलग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न, ठीक है। तो समूह है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसको प्रदर्शित करते हैं, यहां वहां पे कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहां से नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, यहां से जो भी कोई ग्रुप जुड़ा होगा नाइट्रोजन से, और इसी को ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक ही वो है अपने पास में, द्वितीयक अनुलग्न है, इसके लिए अपन यूज करते हैं आइसो, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। कब? जब कार्बन, जो एन सी का कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट हो, जब एन सी का कार्बन, का कार्बन मुख्य श्रृंखला का, श्रृंखला का हिस्सा हो, या ये बोल दें, या इसको ऐसे भी बोल दें, जब एन सी का कार्बन ही मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो, कार्बन ही मुख्य श्रृंखला यानी ये ही मुख्य श्रृंखला में हो, तो इसके लिए यूज करते हैं अपन आइसोसाइनाइड। इसके लिए देखो द्वितीय पूर्व लग्न यूज करते हैं आइसोसाइनम, आइसोसाइनम, इसके लिए द्वितीय पूर्व लग्न यूज करते हैं आइसोसाइनम। अब ये एग्जांपल करते हैं, देखो एग्जांपल से अपने को अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है पहला अपने पास में एच एन सी, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन है तो अपन क्या यूज करेंगे, आइसोसाइनाइड, इसके लिए तो आइसोसाइनाइड, यही कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा होना चाहिए, अपन ने लिखना है एनसी का कार्बन ही मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो तो क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइड। दूसरा लिखें अपन, दूसरा एग्जांपल सी एस थ्री एन, तो इसके लिए तो आइसोसाइनाइड लिख देंगे, ये मिथाइल जुड़ा हुआ तो क्या लिखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला एग्जांपल सी एस थ्री सी एस टू एन, ये इसके लिए क्या लिखेंगे, ये इथाइल है, इसके लिए लिखेंगे इथाइल, और इसके लिए आइसोसाइनाइड, तो इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम करते हैं आईपीसी, ठीक है। अगला एग्जांपल सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू, ये लो, तो ये क्या है, ब्यूटेन, और इसके लिए आइसोसाइनाइड, तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल जुड़ा होता है तब इल लग जाता है ना, ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो सी एस थ्री सी एस सी एस थ्री सी एस टू, ये लो, वन टू थ्री, तो इसका क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और प्रोपाइल पे भी दो नंबर, क्या दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अब दो नंबर पे मिथाइल, टू मिथाइल, और तीन नंबर का प्रोपाइल, आइसोसाइनाइड। और क्या लिख सकते हैं इसका कॉमन नेम, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल बोल सकते हैं क्या, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल आइसोसाइनाइड। हाँ, तो अपना अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है अपना सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री एंड, ये तो क्या है, आइसोसाइनाइड, वन टू आइसोसाइनाइड, और दो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, और एक पे जुड़ा हुआ है मिथाइल मिथाइल, तो मैं इसको लिख सकता हूं वन वन डाई मिथाइल इथाइल आइसो साइनाइड, इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगला देखो, और इसी का दूसरा नाम भी है कॉमन नेम, टर्सरी, टर्सरी ब्यूटिल आइसो
साइनाइड। ठीक है, अगला एग्जांपल अपना ये वाला येलो, तो ये तो आइसोसाइनाइड और ये क्या है साइक्लोप्रोपाइल, तो इसका सीधा नाम लिख देता हूं मैं साइक्लोप्रोपाइल। ये फॉर्मूले से ही होगा देखना, आइसोसाइनाइड फॉर्मूले से ही क्या है वो पांचों चीजें, मूल शब्द तीन कार्बन की मुख्य श्रृंखला तो प्रोप प्रोप, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है किससे आइसोसाइनाइड से, तो इसका नाम क्या हो गया आइसोसाइक्लोप्रोपाइल, इससे जुड़ा हुआ है किससे आइसोसाइनाइड से जुड़ा हुआ है, तो तीन कार्बन का प्रोपेन होना चाहिए, तो ये जुड़ता है तो क्या लग जाता है वायर लग जाता है, तो प्रोपाइल हो गया। तो अगला एग्जांपल देखें अपन, ये लो इसका नाम क्या है फेनिल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फेनिल या फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन, ये है अपने पास में CH2, ये अब ये देखो इसका नाम लिखा है था बेंजील, तो ये है बेंजील आइसोसाइनाइड, तो जो लिखाया हुआ है वो याद होना जरूरी है, नहीं तो अपन समझ नहीं पाएंगे, है ना। अब देखो अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल इधर देख लेते हैं लास्ट CH2 ये। अब ये एक क्रियात्मक समूह तो ये है और एक क्रियात्मक समूह है ये, इनमें से सीनियर कौन सा है ये वाला, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तो प्रतिस्थापी तो पहले आएगा, तो तीन नंबर पे आइसोसाइनो, इसके लिए प्रतिस्थापी क्या होगा आइसोसाइनो, और ये है तीन नंबर तो प्रोप पे नोइक एसिड, इसका ऐसे होगा ना देखो प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इन सबको जोड़ के क्या बना ये बना। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखो आइसोसाइनाइड अपना पूरा हो गया। अगला लेते हैं अपन एल्डिहाइड, नाइन नंबर एल्डिहाइड कौन सा है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में देखो अपन वही टेबल बनाएंगे अपनी, समूह है प्रदर्शन द्वितीयक अनुलग्न और द्वितीयक पूर्वलग्न। ठीक है, तो समूह है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रदर्शन है इसका CHO और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसमें देखो प्राथमिक अनुलग्न सॉरी द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, एक यूज करते हैं L, जब CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो। ठीक है, और जो दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा यूज करते हैं इसके लिए कार्बोल्डिहाइड, दूसरा यूज करते हैं कार्बोल्डिहाइड जब CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें दो पूर्व लग्न भी यूज करते हैं, पहला यूज करते हैं ऑक्सो जब CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो, ये देखो अंडरलाइन कर दिया है। दूसरा यूज करते हैं इसके लिए फॉर्माइल, जब CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो। ठीक है, तो दो ही तो इसमें पूर्व लग्न है, दो ही अनुलग्न है, तो पूर्व लग्न एक तो ऑक्सो जब CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो, और जब फॉर्माइल जब CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो, द्वितीय अनुलग्न में एल जब CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो, और दूसरा कार्बोल्डिहाइड जब इसका CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। अब देखो इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन कुछ, ठीक है एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, तो एग्जाम्पल्स लें
एग्जाम्पल पहला एच सी डबल बॉन्ड एच, तो इसमें कार्बन कितना है एक, एक कार्बन के लिए क्या मैथ प्लस एन प्लस एल, जब कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो तो द्वितीयक अनुलग्न क्या यूज करेंगे एल, प्राथमिक पूर्ण लग्न भी नहीं है द्वितीयक लग्न भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया मैथे, अब ये देखो यहां ए आया है तो ये ई नहीं आएगा मैथेनल, इसका नाम हो गया आईपीसी मैथेनल। अगला एग्जाम्पल देखो अपना सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एच, अब इसमें देखो एक दो दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ प्लस एन प्लस एल द्वितीयक अनुलग्न क्योंकि इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा है और इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है वो भी है एल्डिहाइड, तो और प्राथमिक पूर्व लग्न द्वितीय पूर्व लग्न है नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया एथेनल, जब ए आएगा तो ई हट जाएगा। दूसरा अगला एग्जाम्पल देखें अपन, अगला एग्जाम्पल है सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच, एक दो तीन तो ये प्रोप प्लस एन प्लस एल और प्राथमिक पूर्व लग्न भी नहीं है द्वितीय पूर्व लग्न भी नहीं है, ए आया तो ई हट जाएगा तो ये हो गया प्रोपेनल। ठीक है अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में एस सी सी एच टू सी डबल बॉन्ड एच, तो एक दो तीन चार ब्यूट सारे एकल बंद एन प्लस एक नंबर और दो नंबर पे क्या, एक नंबर और चार नंबर पे क्या है डाई एल, तो इस प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं द्वितीय पूर्व लगन भी है नहीं, इसका नाम क्या हो गया ब्यूट, ए आया है तो ई नहीं आएगा ब्यूट टेन वन फोर डाई एल। ठीक है तो ये समझ में आया होगा। अब अगला देखो, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में सी एच, ये क्रियात्मक समूह है लेकिन इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगा और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए प्रोप ये लो प्लस एन सब में एकल बंद है प्लस इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो द्वितीय अनुलग्न क्या होगा कार्बल्डिहाइड प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लो, द्वितीय पूर्व लग्न है नहीं तो नाम क्या हो गया साइक्लो प्रोपे प्रोपेन कार्बल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड। अगला एग्जाम्पल देखो, अब इसमें देखो दो क्रियात्मक समूह समान प्रकार के हैं और दोनों ही मुख्य क्रिया दोनों के कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं आ सकते, अपनी मुख्य श्रृंखला तो ये होगी, अब एक क्रियात्मक समूह ये एक क्रियात्मक समूह है तो वही नाम लिखो प्रोप प्लस सब एकल बंद से प्लस दो क्या जुड़े हुए हैं क्रियात्मक समूह है लेकिन उनका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं है तो नंबरिंग करेंगे तो वन टू यहां पर एक नंबर पे ही होगा तो ये एक नंबर मैंने लिखा नहीं है तो वन टू डाई कार्बल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड और प्राथमिक पूर्व लगन नहीं है द्वितीय पूर्व लगन भी नहीं है तो इसका सॉरी प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो है तो इसका नाम हो गया साइक्लो प्रोपेन वन टू डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है अगला एग्जाम्पल देखें अपन, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में एच ओ सी सी एच टू सी एच टू सी एच टू और ये सी डबल बॉन्ड एच, अब देखो इसमें दो क्रियात्मक समूह है एक ये और एक ये, दोनों में से सीनियर कौन सा है ये वाला, ये जूनियर है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा प्रतिस्थापी की तरह, प्रतिस्थापी की तरह भी व्यवहार करेगा, दो पॉसिबिलिटी इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में ले और इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं ले, तो इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में आएगा तीन चार पांच, तो मूल शब्द पेंट प्लस सारे एकल बंध से जुड़े हुए एन प्लस एक नंबर पे द्वितीयक अनुलग्न ओइक एसिड प्लस प्राथमिक अनुलग्न है नहीं द्वितीयक अनुलग्न ये सॉरी प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं द्वितीयक पूर्व लग्न ये प्रतिस्थापी है तो इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में आ गया तो मुख्य श्रृंखला में आ गया तो क्या यूज करेंगे इसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ऑक्सो सॉरी मैंने क्या लिखा है एक मिनट जब कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो, कार्बन मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो तब ऑक्सो यूज करेंगे और नहीं हो का हिस्सा नहीं हो तब ये यूज करेंगे, ध्यान देना इस बात का, हिस्सा हो तब तो ऑक्सो यूज करेंगे और नहीं हो तब यूज करेंगे फॉर्माइल, सॉरी ये मिस्टेक हो गया तो सही कर लेना आप लोग। ठीक है तो ये आ गया अपने पास में
प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न है कितने नंबर पे, पांच नंबर पे, पांच नंबर पे क्या है ऑक्सो, पांच ऑक्सो, इसका नाम हो गया फाइव ऑक्सो पेंटेन ओइक, आया तो ई हट जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। अगला एग्जांपल देखो एच सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री और यहां पर जुड़ा हुआ है सी एच ओ, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह एक तो ये है और एक ये है, तो सीधे क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये वाला। तो नंबरिंग यहां से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ये देखो इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं आया और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूं चार पे फॉर्माइल, ठीक है। प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं, द्वितीय पूर्व लग्न में हेक्सेन 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 और वनोइक एसिड, तो ये इसका नाम हो गया चार फॉर्मुला फॉर्माइल हेक्सेन वनोइक एसिड यानी हेक्सोनोइक एसिड, तो ये आ गया इसका नाम। तो दोस्तों देखो अपन ने एल्डिहाइड भी कर लिया, तो इस चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना और वीडियो को लाइक करना शेयर करना।